हेलो किड्स, दिस इज मिस ज्योति फ्रॉम शास्त्रधाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। वी वर डूइंग सेकंड चैप्टर और अब सेकंड चैप्टर के एफ पार्ट में हम आ गए हैं। एफ पार्ट में है फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से ये फाइव आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए, इनमें से आपने ऑड सेपरेट करना है। तो फर्स्ट इज लॉकस्ट, ग्रास होपर और बटरफ्लाई और लिजर्ड। इनमें से हमने लिजर्ड को अलग किया है। लिजर्ड अलग है क्यों? क्योंकि लिजर्ड जो है वो तो रेंग के चलती है और दीवारों पे चलती है, और बाकी जो है वो हॉप कर सकते हैं और उड़ सकते हैं। बटरफ्लाई, ग्रास ऊपर और लॉकस्ट ये सारे उड़ सकते हैं और लिजर्ड नहीं उड़ सकती, इसलिए लिजर्ड को हमने अलग कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका गिल्स, ट्रैकिया, लेग्स और स्पाइरेकल्स। इनमें से लेग्स अलग है क्यों? बिकॉज जो हम गिल्स, ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स है ये किस लिए यूज होते हैं? ये ब्रीदिंग के लिए यूज होते हैं। गिल्स, ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स ये ब्रीदिंग के लिए यूज होते हैं और लेग्स चलने के लिए यूज होती है, तो इसलिए लेग्स को हमने अलग कर दिए। ठीक है, उसके बाद है बेटा इंसीजर, फिन्स, फ्लिपर्स और पैडल्स। तो पैडल्स, फ्लिपर्स और फिन्स जो है वो तैरने के लिए काम आते हैं। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं या वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उनके तैरने के लिए काम आती हैं पैडल्स, फ्लिपर्स और फिन्स। और इंसीजर्स कौन से होते हैं? इंसीजर्स तो टीथ होते हैं, तो इसलिए इंसीजर सेपरेट है, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया। फिर आपका कैसोवरी, पैरट, क्रो और पिजन। पैरट, क्रो, पिजन जो है वो सिंपल बर्ड्स है, लेकिन जो कैसोवरी है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता कैसोवरी, तो इसलिए कैसोवरी इज सेपरेट। बाकी पैरट, क्रो और पिजन जो है वो उड़ सकते हैं, तो ये कैसोवरी उन सबसे अलग है। फिर है ईल, रोजी पैस्टर, कैट और सैल्मन। तो ईल, रोजी पैस्टर और सैल्मन क्या है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। और कैट क्या है? कैट इज नॉट अ माइग्रेटरी बर्ड, ये माइग्रेटरी नहीं है, वो माइग्रेटरी एनिमल नहीं है, तो इसलिए कैट इज सेपरेट देन दीज ऑल थ्री। ठीक है, तो दिस इज फाइंड द ऑड वन आउट। आगे हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन आंसर, सिर्फ फर्स्ट फाइव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। हाउ डू सिंगल सेल्ड एनिमल ब्रीथ? ऐसे एनिमल जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है वो कैसे सांस लेते हैं? वो सांस किस तरह से लेते हैं? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Okay, ma'am. सिंगल सेल्ड एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। सिंगल सेल्ड एनिमल जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। सिंगल सेल्ड एनिमल्स ब्रीद थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, फिर आ गया हाउ डू गिल्स हेल्प अ फिश ब्रीद। एक फिश जो है वो किस तरह से सांस लेती है? उसकी जो गिल्स है उससे ऑक्सीजन वो किस तरह से प्राप्त करती है? गिल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड पास इट इन टू द ब्लड। गिल्स क्या करते हैं? फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में से और फिर वो उसके ब्लड में पास कर देते हैं। They take carbon dioxide from the blood and give it out in the water. और carbon dioxide blood में से उसको water में evaporate कर देते हैं, water में छोड़ देते हैं, give out कर देते हैं। In this way, gills help a fish breathe. तो gills क्या करते हैं? पानी में से oxygen लेके blood में दे देते हैं और blood में से carbon dioxide वापस लेके वो पानी में भी देते हैं। तो ये जो give और take का procedure है ये gills के through होता है। तो this is how a fish breathe. फिर आ गया व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू अर्थवर्म शो। अर्थवर्म किस तरह से बॉडी मूवमेंट करता है? अर्थवर्म शो क्रॉलिंग मूवमेंट बाय चेंजिंग देयर बॉडी शेप। अर्थवर्म किस तरह से मूव करता है? क्रॉलिंग मूवमेंट करता है, अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते हुए। जब वो चलता है, वॉक करता है, क्रॉल करता है, तो अपनी बॉडी की मूवमेंट को वो चेंज करता है। फिर आ गया हाउ डू डिफरेंट फिन्स ऑफ अ फिश हेल्प इट स्विम। जो फिश है उसके फिन्स किस तरह से हेल्प करते हैं उसको स्विमिंग करने के लिए? द पेयर्ड फिन्स ऑफ अ फिश हेल्प इट इन मूविंग फॉरवर्ड एंड इन मेंटेनिंग बैलेंस व्हाइल टेन फिन हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। जो पेयर्ड फिन्स है मतलब फिश के जो साइडों वाले फिन्स है वो उसको आगे और पीछे मूव करने में मदद करती है, आगे मूव करने में मदद करती है और बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। और जो टेल है, टेल किस में हेल्प करती है? टेल, जो टेल की फिन होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, जब वो स्विम करती है फिश। फिर एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स टेक ऑफ एंड लैंड व्हाइल फ्लाइंग।
जो बर्ड्स हैं वो किस तरह से टेक ऑफ करते हैं, मतलब उड़ते हैं, और किस तरह से लैंड पर वापस आते हैं जब वो उड़ते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, बर्ड्स टेक ऑफ बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। बर्ड्स किस तरह से टेक ऑफ करते हैं, जमीन से किस तरह से उठते हैं, बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ा के डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर ऊपर नीचे फड़फड़ाते हैं तो वो ऊपर उठ पाते हैं। This lift their body upward and make them move forward. और इससे क्या होता है? इससे उनकी बॉडी ऊपर की ओर उठती है और आगे की तरफ मूव करती है। Bird use tail feather and hind limbs for landing. और tail feather use करते हैं birds और अपने hind limbs use करते हैं land करने के लिए। Tail feather act as a brake, slowing down their speed and the birds come down on their legs. और जो टेल फेदर होती है, जो उसकी पूंछ होती है बर्ड्स की, पीछे वाले जो पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं और वो धीरे धीरे जमीन पर उतर जाते हैं और अपने लेग्स पर खड़े हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ द बर्ड्स फ्लाई। तो इतना सभी को समझ आया बेटा? यस मैम।